हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस क्लास। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में मैं डिस्कस करूंगा स्पॉटिंग एरर के कुछ बेस्ट क्वेश्चंस, जो कि आपसे IBPS PO प्री में और SSC CGL एग्ज़ाम टीयर 2 में डेफिनेटली पूछे जा सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, और इन क्वेश्चंस को मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। इनसे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं इन क्वेश्चंस को। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि एक वेबसाइट मैंने लॉन्च की है जिसका नाम है englishiq.in। यहाँ पर आप फ्री स्टडी मटेरियल इंग्लिश सेक्शन का ले सकते हैं। यहाँ पर वोकेबलरी की काफ़ी सारी PDFs और ई-बुक्स भी मैंने अपलोड कर दी हैं, तो इनको भी आप डाउनलोड करें और इनके थ्रू अपनी तैयारी करें। तो देखते हैं इन क्वेश्चंस को। देखिए, एक ये क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चंस अभी हाल ही में SBI PO में और SBI क्लर्क के एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, तो इसलिए मैं ये सीरीज चला रहा हूँ, और हाईली यूज़फुल ये क्वेश्चंस आपके लिए रहेंगे। देखिए, यहाँ से इस क्वेश्चन को यदि आप पढ़ें, एज द थीप्स रैन आउट ऑफ द बैंक, दे गॉट इन टू द गेट अवे कार विच वॉज वेटिंग विद इट्स इंजन रनिंग। मतलब इसमें क्या बोला जा रहा है कि थीप्स का मतलब होता है चोर। जब चोर बैंक से बाहर आए तो वो कहाँ पर गए? अपनी गेट अवे कार में चले गए। गेट अवे कार मतलब एक ऐसी कार होती है जो जो नॉर्मली चोर और इस तरह के लोग इस्तेमाल करते हैं भागने के लिए, ठीक है। तो गेट अवे कार में आ गए, बैंक से जब वो बाहर आए तो गेट अवे कार में वो घुस गए। उस कार में वो कार जो कि बाहर वेट कर रही थी और उसका इंजन जो था वो रनिंग था, उस समय चल रहा था। Which was waiting with its engine running. तो ये तो सही है इसमें, which was waiting with its engine running. Actually यहाँ पर waiting जो word use हो रहा है वो कार में जो व्यक्ति उसका wait कर रहा है उसके लिए use हो रहा है, तो waiting से आपको confuse नहीं होना है। Its engine सही है, its ही आएगा यहाँ पर क्योंकि ये कार के लिए इस्तेमाल हो रहा है। Thieves भी यहाँ पर सही है क्योंकि thief का जो plural form होता है वो thieves होता है। तो इस समय सभी बैंकिंग एग्जाम्स में और सभी SSC एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं जिसमें एक सेंटेंस में कई बार आपको कंफ्यूज किया जाता है या कई पॉइंट्स पर आपको कंफ्यूज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस सेंटेंस को यदि आप ध्यान से पढ़ें तो इसमें आप इस वर्ड को देखिए, एज क्या बताता है। एज के थ्रू हम बताते हैं, जैसे यदि मैं बोलूँ कि एज ही केम आउट आई वेंट इन, जैसे ही वो अंदर आया मैं अंदर गया, जैसे ही वो बाहर आया मैं अंदर गया। मतलब जब दो काम, दो छोटे छोटे एक्शंस एक साथ होते हैं तो उसमें उस सिचुएशन में हम एज लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसी सिचुएशन नहीं है। देखिए यहाँ पर देखिए, एज द थीप्स रैन आउट ऑफ द बैंक दे गॉट इन टू द गेट अवे कार। तो यहाँ पर हम एज नहीं लगाएंगे, यहाँ पर हम वैन लगा सकते हैं इसके स्थान पर। वैन द थीप्स रैन आउट ऑफ द बैंक दे गॉट इन टू द गेट अवे कार, क्योंकि एक के बाद एक एक्शन हो रहा है, तो इसलिए यहां पर हम वैन लगा सकते हैं, एज नहीं, ठीक है। तो ये इसमें गलत है, और इसमें हम इसमें जो आंसर होगा आपका वो होगा ए। तो ऐसे इन क्वेश्चंस को करना है। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, ही डिनाइड दैट ही हैडंट स्टोलन माय पर्स दो आई वाज क्वाइट श्योर दैट ही हैड। क्या इसका आंसर होगा? He denied that he hadn't stolen my purse. देखिए, denied का मतलब क्या होता है? मना करना, किसी चीज़ के बारे में बोलना कि ये सही नहीं है। तो denied में पहले से ही not लगा रहता है, इसलिए denied के साथ हम not का प्रयोग नहीं करते। ये denied जो है इसके साथ ये not का प्रयोग यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। denied को हम पॉजिटिव सेंस में ही यूज़ करते हैं। तो ये सही सेंटेंस होगा, ही डिनाइड दैट ही हैड स्टोलन माई पर्स। उसने डिनाई किया, उसने मना किया कि उसने उसका पर्स चुराया था, ठीक है। काफ़ी अच्छा ये कॉन्सेप्ट है, और बी इसमें आपका सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं द फ्रेंच एम्बेसी। फ्रेंच एम्बेसी सिंगुलर है यहाँ पर, तो इसलिए एम्प्लॉयज सही है। फ्रेंच एम्बेसी उसको एम्प्लॉय करती है, उसको नौकरी पर रखती है। फ्रेंच एम्बेसी एम्प्लॉयज हिम रेगुलरली भी सही है। एज का मतलब यहाँ पर बिकॉज है, ठीक है। एज, सिंस एंड बिकॉज, इन तीनों का ही मतलब सेम रहता है, हालांकि इनके एप्लीकेशन में अंतर है, ठीक है, लेकिन ये रीजन के लिए यूज होते हैं। द फ्रेंच एम्बेसी एम्प्लॉयज हिम रेगुलरली एज ही नोज टू स्पीक फ्रेंच। देखिए, नोस के बाद जो स्ट्रक्चर आता है वो हाउ स्ट्रक्चर आता है। आई नो हाउ टू टीच, आई नो हाउ टू ड्राइव, आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, ठीक है। आई नो हाउ टू ड्राइव अ कार,
तो ही नोज के बाद हाउ टू स्ट्रक्चर आता है इस नोज के बाद। तो यहां पर हम बोलेंगे ही नोज तो सही है क्योंकि ही के बाद ये सिंगुलर वर्ब लगी है यहां पर, ही नोज हाउ टू स्पीक फ्रेंच। तो इंग्लिश सेक्शन की एक अंडरस्टैंडिंग जरूरी होती है, ये जरूरी नहीं है आप सारे रूल्स को रटें और सारे रूल्स आपको आते हों, लेकिन इंग्लिश सेक्शन की अंडरस्टैंडिंग आपको पता होना चाहिए। तो यहां पर आपका आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ही नोज हाउ टू स्पीक फ्रेंच, डी इसमें आपका सही आंसर आपका होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इन इंडिया वर्किंग वुमेन लीड अ लाइफ ऑफ ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी इफ दे आर मैरिड एंड हैव अ फैमिली। ये भी एक काफी अच्छा क्वेश्चन है, और यहाँ पर वर्किंग वुमेन की बात हो रही है, ऐसी ऐसी औरतों की बात हो रही है जो कामकाजी हैं, कामकाजी महिलाओं की बात हो रही है। तो कामकाजी महिलाओं का एक ग्रुप है, ये किसी एक महिला की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लीड लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर लीड लगा हुआ है, और यहाँ पर देखिए दे लगा हुआ है, और इसके आगे यहाँ पर देखिए आर लगा हुआ है, यहाँ पर देखिए हैव लगा हुआ है। पूरा सेंटेंस ये प्लूरल में चल रहा है, इसका मतलब ये है कि इस वर्ब से रिलेटेड जो सब्जेक्ट यहाँ पर आएगा ये प्लूरल में होगा, और वुमेन का जो प्लूरल होता है वो होता है विमेन। ठीक है, तो ए इसमें आपका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 में। आई होप ये आपको अच्छे तरीके से ये समझ में आया। इस तरह के क्वेश्चंस ना केवल बैंकिंग में बल्कि एसएससी में भी इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें एक लंबा सा सेंटेंस होता है, 3 या 4 पॉइंट पर आपको कंफ्यूज किया जाता है और कॉन्सेप्ट पूछा जाता है, कॉन्सेप्ट क्या है ये पूछा जाता है, और इंग्लिश सेक्शन की इंग्लिश लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग वहाँ पर चेक की जाती है। तो मैं आपसे बार बार ये बोल रहा हूँ कि रूल्स ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, इंग्लिश सेक्शन की अंडरस्टैंडिंग जरूरी है, कॉम्प्रिहेंशन जरूरी है, कॉन्टेक्स्ट को समझना जरूरी है, और रूल्स बेस्ड क्वेश्चंस अब कम पूछे जा रहे हैं, चाहे वो बैंकिंग हो या एसएससी हो। यहां से देखिए, ग्रेटली टू आर सरप्राइज वी फाइंड द रिंग लीडर वॉज लेम। चूंकि यहां पर वॉज लगा हुआ है तो ये सेंटेंस किस में आएगा, पास्ट में आएगा, तो पास्ट में फाइंड का पास्ट फॉर्म क्या होता है, फाउंड आएगा, तो यहां पर फाउंड हम लगाएंगे, और सी पार्ट में इसमें गलती है। ठीक है, अब चूंकि एक ही गलती है तो इसलिए ये पार्ट गलत नहीं हो सकता। ग्रेटली टू आर सरप्राइज, ये इडियम है एक, सही है ये, कि हमें काफ़ी आश्चर्य हुआ कि हमने हमने ये देखा कि रिंग लीडर जो था वो लेम था, मतलब उसका एक पैर खराब था। तो ग्रेटली यहाँ पर एक्चुअली एक एडजेक्टिव की तरह यूज़ हो रहा है, सरप्राइज को मॉडिफाई ये कर रहा है। तो यहाँ पर आपका सी जो पार्ट है ये इरोनियस पार्ट है, सी पार्ट में इसमें आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। द टीचर मेड द बॉयज टू डू द सम ऑल ओवर अगेन। ऑल ओवर अगेन का मतलब होता है फिर से किसी काम को करना, पूरी तरीके से फिर से किसी काम को करना। तो देखिए, मेड मेड जो वर्ब है ये कॉजिटिव वर्ब है। जैसे यदि मैं बोलूं कि उसने मुझसे खाना बनवाया, उसने मुझे टेबल पर खड़ा कर दिया, उसने मुझसे रीडिंग करवाई, ठीक है, तो इस तरह के जो वर्ब्स होती हैं उनको हम बोलते हैं पॉजिटिव वर्ब्स। और इसमें 3 वर्ब आती हैं, एक है मेक, एक है लेट और एक है बिड। ठीक है, तो इसके साथ हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं, ये ऑब्जेक्ट है, और उसके बाद फिर बेयर इन्फिनिटिव हम लगाते हैं। ही मेड मी डू द वर्क, मतलब उसने मुझसे काम करवाया। ही मेड मी सिंग द सॉन्ग, उसने मुझसे गाना गवाया। ही लेट मी गो, ही लेट मी गो बोलेंगे, ही लेट मी टू गो नहीं बोलेंगे। तो इन सभी वर्ब्स के साथ हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं, पहले ये ऑब्जेक्ट लगा दिया, और फिर यहाँ पर हम टू डू बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं। ठीक है, तो सी इसमें आपका सही आंसर होगा। इस पूरे वीडियो क्लास का इंग्लिश वर्जन भी मैं अपलोड करूंगा, तो उसको आप इंग्लिश टू इंग्लिश भी आप देख सकते हैं इस चैनल पर, जिसका नाम है इंग्लिश एडवांटेज यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर यदि आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, और यदि ये वीडियो क्लास आपको अच्छी लगती है तो उसको लाइक जरूर करें, और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि कैसी लग रही है आपको, कितनी हेल्पफुल हैं ये क्लासेस आपके लिए। मैनी ओवरसीज स्टूडेंट्स अटेंड कॉलेजेस इन द ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन से पहले द लगा है, मैनी ओवरसीज स्टूडेंट सही है, लेकिन अटेंड कॉलेज अपने आप में एक फ्रेज है, अटेंड कॉलेज, अटेंड कॉलेजेस नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें कौन सा रूल अप्लाई हुआ, कोई सा रूल अप्लाई नहीं हुआ, केवल कॉन्टेक्स्ट को देखा, केवल आपको
केवल आपकी अंडरस्टैंडिंग इसमें चेक हो रही है, ठीक है। तो आपको इंग्लिश सेक्शन की अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना है, और इंग्लिश सेक्शन की अंडरस्टैंडिंग आएगी रीडिंग करने से। जितनी ज़्यादा आप रीडिंग करेंगे उतनी जल्दी आप इंग्लिश सेक्शन में अच्छा स्कोर कर पाएंगे, उतनी जल्दी आप गवर्नमेंट जॉब हासिल कर पाएंगे। इसलिए रीडिंग करें, ये ज़रूरी नहीं है कि आप हिंदू पढ़ें, कुछ भी पढ़ें आप, लेकिन पढ़ें और उसका उसका उसको उसका मीनिंग निकालें, उसके कॉन्टेक्स्ट को समझें। इस तरीके से आप इंग्लिश सेक्शन को बहुत जल्दी आप इम्प्रूव कर सकते हैं। देखिए, व्हेन यू आर डिसमिस्ड फ्रॉम जॉब इट डजंट हेल्प टू किक अप अ रो। जब आपको जॉब से निकाल दिया जाता है तो किक अप ए रो का मतलब है जैसे जैसे आपके साथ कोई अन्याय हुआ है तो आप बड़ा लड़ाई झगड़ा करते हैं, बड़ा प्रोटेस्ट करते हैं, बड़ा बड़ा एग्रेसिवली अपनी बात को कहते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, नाराज़ हो जाते हैं। तो उसी के लिए ये इडियम है किक अप अ रो, किक अप अ रोस, ठीक है। इसके स्थान पर आप मेक अप अ रो भी बोल सकते हैं। तो ये देखिए, व्हेन यू आर डिसमिस्ड, जब आपको डिसमिस्ड कर दिया जाता है, ये पैसिव वॉइस कंस्ट्रक्शन है। पैसिव वॉइस में हम इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, और डिसमिस किया जाता है जॉब से, तो इसलिए यहाँ पर हमने लगा दिया फ्रॉम, तो ये फ्रॉम भी सही है। इट डज नॉट हेल्प जो फ्रेज़ है ये भी सही है। इट डज नॉट हेल्प मतलब इससे कोई मदद नहीं होती। यदि आप चिल्लाएं, यदि आप प्रोटेस्ट करें तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है किसी को। आप टर्मिनेट, आपको कर दिया गया है मतलब कर दिया गया है, तो इट डजेंट हेल्प का मतलब यही है, ठीक है। तो ये सेंटेंस जो है ये सही है और इसमें आंसर होगा आपका नो एरर, टू किक अप अ रो, ठीक है। तो इसका मतलब होता है मेक अ विगरस प्रोटेस्ट। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, ये भी एक काफ़ी अच्छा सेंटेंस है। माई अंकल एंड ही, यहाँ पर ये सही है क्योंकि ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर जो प्रोनाउन आएंगे वो सब्जेक्टिव केस में आएंगे, प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस में है। यहाँ पर जो प्रोनाउन आएंगे वो ऑब्जेक्टिव केस में आएंगे क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव केस है। तो यहाँ पर माई फ्रेंड एंड आई के स्थान पर माई फ्रेंड एंड मी यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो बी इसमें आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, आई एम रियली डिसअपॉइंटेड इन नॉट हैविंग, हैविंग के बाद हम क्या लगाते हैं, हैविंग के बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो हैविंग सीन हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बी। तो ये है इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग। आपको आपको रूल्स को रटना नहीं है, इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना है, कॉन्टेक्स्ट को डेवलप करना है, और ये चीज़ आएगी रीडिंग से। जितनी ज़्यादा आप रीडिंग करेंगे उतना अच्छा आपके लिए रहेगा। तो इस वीडियो क्लास में मैंने केवल 10 क्वेश्चन लिए हैं, और आप मेरे फ्री ब्लॉग्स भी पढ़ सकते हैं englishiq.in पर। यहाँ पर वो कैप की काफ़ी सारी ईबुक्स मैंने अपलोड की हैं, इनको आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर एक फ्री कोर्स भी चल रहा है IBPS PO के लिए, इसको भी आप देख सकते हैं। और काफ़ी सारा कंटेंट मैं यहाँ पर धीरे धीरे अपलोड कर रहा हूँ, तो इस साइट पर आप ज़रूर जाएँ और इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि इस साइट पर जो भी नए पोस्ट अपलोड होंगे उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और आपका कोई भी डाउट या क्वेरी है, आप पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे, वहाँ से मेरे पेड कोर्सेज आप ज्वाइन कर सकते हैं। और कोई भी डाउट या क्वेरी है तो इन नंबर्स पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं। इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। थैंक यू।